तो भाई आज लैंडस्केप का चौथा क्लास है और आज हम लोग घर बनाना सीखेंगे, ठीक है। और घर जो होगा वो एक गांव वाला घर होगा, मिट्टी का घर होगा। आप कभी गांव में इस तरह का घर देखे होंगे ज़रूर, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है देखने में, है ना। तो आज हम लोग ये बनाना सीखेंगे। अगर आप विलेज सीनरी बना रहे हो या लैंडस्केप बना रहे हो, तो आप अपने लैंडस्केप या सीनरी में इस तरह का घर ऐड करके, अगर आप विलेज बना रहे हो तो अपने पेंटिंग को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, वो पेंटिंग देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ बनाना है, क्या ध्यान रखना है और किस किस चीज़ पे आपको डिटेल करना है, चलो ये हम लोग आज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा पानी लगा लेते हैं, ठीक है। और पेंट हम सीधे सीधे घर पर करेंगे, है ना, बैकग्राउंड नहीं करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में कल पूरा पेंटिंग हम बनाएंगे और जिसमें कि सारा कुछ होगा, जितना हम लोग चार क्लास, आज चार क्लास में जो जो भी हम लोग ने बनाया वो सारे कुछ को कल ऐड करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे एक अच्छा लैंडस्केप बना सकते हो। तो भाई आज टिशू भी मेरे साथ है। पानी जैसे हमने वॉश किया उसको थोड़ा थोड़ा उठा लेते हैं, और आपको एक फ्लैट ब्रश लेना है इस तरह का। और अच्छा हाँ, देखो ये हमने आज एक नया ब्रश ख़रीदा है, जिसमें आप देख सकते हो ये 5 नंबर का है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 5 नंबर का है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इसके प्राइस देख सकते हो, ये 55 लिखा है, लेकिन आपको 40 के आसपास आ जाएगा, 35 या 40 में आ जाएगा। हमने तो 35 में लिया है। तो आप इस तरह का, क्योंकि मेरे पास ब्रूस्टो का ब्रश है जैसे इस तरह का, या फिर अगर आप इस तरह का छोटा भी मेरे पास है, जैसे कि एक सेट में 4 पीस आता है इस तरह का, लेकिन इस तरह का पॉइंटेड ब्रश यूज करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, हम ज़्यादा कंफर्टेबल इस पे हैं, ये मज़ा आता है काम करने में। लेकिन वॉश वगैरह के लिए या स्ट्रोक लगाने के लिए ये ब्रश बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है बस। सो फिलहाल एक आपको इस तरह का लेना है फ्लैट ब्रश, और सबसे पहले जो कलर अप्लाई करना है वो येलो आकर लेना है आपको। और इस वाले घर में आपको कलर करना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बताते हैं कि तो इस पेंटिंग में जो मेरा सोर्स ऑफ लाइट होगा वो इधर का होगा, ठीक है। तो जितना शेडो होगा वो इधर होगा, यहाँ होगा, इसका शेडो हम यहाँ गिराएंगे, और इसका भी शेडो थोड़ा हम यहाँ गिराएंगे, ठीक है, और इसका शेडो यहाँ गिराएंगे, ठीक है। और ये छप्पर का शेडो थोड़ा थोड़ा गिरेगा, और बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि ये चीज़ ज़्यादा बाहर कर निकल कर आए, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा शेडो पर ध्यान देना है, और एक बहुत ही लाइट कलर के साथ आपको वॉश करना है, जो कि येलो ऑकर, आप मिट्टी का घर बना रहे हो तो येलो आकर के साथ आप ब्रंट सियाना, ब्रंट अंबर थोड़ा सा यूज कर सकते हो, है। और इस वाले घर को हम रहने देते हैं, वाइट ही रहने देते हैं, इस पे कलर नहीं करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा इसमें शेडो वाला कलर चाहिए, तो आप कोबाल्ट ब्लू और ब्लैक मिक्स करके और इस पोर्शन पे अप्लाई कर सकते हो। और देखो ये सेम कलर हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस वाले घर का शेडो बना लेते हैं, जो कि बहुत ही लाइट करके आपको बनाना है, जैसे इस ये वाले छप्पर का शैडो गिरा देते हैं, क्योंकि अगर आप मिट्टी का घर बना रहे हो तो बस यही एक दो कलर होता है जो घर में कलर होता है, ठीक है। दीवार का कलर, दीवार का कलर होता है मिट्टी का घर में, उतना ज़्यादा लाल पीला चमक धमक नहीं होता है, या येलो आकर करो या फिर वाइट रहने दो, क्योंकि इस तरह का घर में
और ज़्यादातर चूना वगैरह से पेंट किया हुआ रहता है, तो आपको वाइट मिलेगा। भी अगर मिट्टी से अगर पेंट किया हुआ रहता है तो फिर आपको वो पीला टाइप का कलर मिलेगा, लाइक ये देख सकते हो। कभी भी आप इस तरह का गांव वाला घर देखे होगे तो बल्कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो, थोड़ा सा गांव में घूम सकते हो। क्योंकि भाई अगर आप पेंटिंग बना रहे हो ना, तो जो लैंडस्केप आपको विलेज में मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। और इसको थोड़ा सा डार्क आपको करते जाना है। और ये छप्पर का शैडो है, इस पर अब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि घर का जो कलर है वो वाइट है, ठीक है? तो इधर सनलाइट जो पड़ रहा है तो ये बिल्कुल वाइट दिखेगा। ये पोर्शन थोड़ा सा इसका शैडो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि धूप इधर पड़ नहीं रहा है, तो ये थोड़ा डार्क दिखेगा, ठीक है? क्योंकि इधर छाया बन रहा है, और इस छप्पर का शेडो यहाँ गिर रहा है, और इस छप्पर का शेडो थोड़ा सा यहाँ गिर रहा है, और इस पे बहुत ज़्यादा आपको कलर नहीं करना है। थोड़ा सा हम इसको मर्ज करते हैं। और अगर आप इस तरह का ब्रश यूज करोगे ना, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत यूजफुल ब्रश है। देखो, येलो ऑकर के साथ आपको यहाँ पर शेडो बनाने के लिए, येलो ऑकर के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्लू मिक्स करना है, ठीक है? थोड़ा ब्लू एंड थोड़ा सा ब्रंश आना, और यहाँ पर इसका शेडो हम यहाँ गिराएंगे। और शेडो जो बनाओगे ना, या उसका कलर जब आप कर रहे हो, सिर्फ एक स्ट्रोक में बनाना, बस उस पर घसना मत ब्रश डिटेल करने के चक्कर में, जितना घसोगे उतना खराब होगा, ठीक है? यहाँ पर छप्पर हमको बनाना है, तो थोड़ा सा आपको ऑरेंज लेना है, थोड़ा रेड, वर्मिलियन एंड ब्रंश आना। ब्रंश आना के साथ यहाँ पर कि आपको इस तरह का कलर इसलिए लेना है, क्योंकि छप्पर का जो कलर होता है ना, वो इस तरह का होता है, बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं होता है, लेकिन कुछ ब्राउन सा लगता है, वो ब्राउनिश टाइप का कलर होता है छप्पर का, तो वो कलर आपको यहाँ पर दिखाना है। और कहीं कहीं पे हम लाइट भी कर देंगे। और विलेज सीनरी बनाने में बहुत मज़ा आता है। और सेम कलर के साथ हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम, यहाँ पर सिर्फ फील आना चाहिए, इस पर इतना ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं करेंगे हम। और वाटर कलर पे अगर आप किसी को, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है किसी सब्जेक्ट को लेकर, अगर कंफ्यूज हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कमेंट में बोल सकते हो,
हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर आपको एक अच्छा सा ट्यूटोरियल देने का, ठीक है। अभी हम लोग सब्जेक्ट वाइज काम करेंगे, जैसे अभी लैंडस्केप पर कर रहे थे, फिर फिगर फिगर पे करेंगे, लाइक या फिर सिटीस्केप करेंगे या पोर्ट्रेट करेंगे। तो एक एक करके हम वहाँ डिटेल करते जाएंगे एक एक करके। तो अगर वाटर कलर सीखना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल से बेनिफिट है, आपको अगर पल्ले पड़ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जो भी हम क्लास करें, जो भी हम वीडियो बनाएं, जो भी अपलोड करें, वो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कुछ सीख सको। थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे डार्क भी करते हैं। और ये ब्रश का कमाल है, ठीक है। तो और यहाँ पर जैसे इस तरह का मिट्टी वाला घर में ना, जो खिड़की वगैरह होता है, जो वेंटिलेटर होता है, वो सिर्फ एक स्पेस छोड़ दिया जाता है बस हवा आने के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ को ध्यान में रख के बनाना है। ऐसा नहीं कि मिट्टी वाला घर बना रहे हो और आप वेंटिलेटर में या खिड़की में या फिर एकदम अच्छे से ग्रिल बना दिया, पेंट कर दिया ब्लू, ये वो करके। छप्पर में सिर्फ फील आना चाहिए कि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्या चीज़, ये ईंटा का जो डिज़ाइन हम दे रहे हैं इसमें, तो मिट्टी वाला घर में जो कच्चा ईंटा से, मिट्टी कच्चा ईंटा से बना हुआ रहता है ना घर, तो वो पानी पड़ने के बाद इस तरह का दिखने लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करके डिटेल आपको करना है, तो आपका पेंटिंग ज़्यादा सुंदर बनेगा। आप जितना ध्यान से बनाओगे वो पेंटिंग आपका उतना अच्छा होगा, जितना ध्यान दे के बनाओगे, जितना ऑब्जर्व करके बनाओगे पेंटिंग, आप अच्छा बना सकते हो।
वो चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके रेफरेंस में है या नहीं है। और यहाँ पे एक लेयर हम शेडो बनाते हैं इसका छप्पर का। तो ये है, और ये थोड़ा सा अगर ड्राई हो जाता ना अभी तुरंत थोड़ा जल्दी तो मज़ा आता है इस पर थोड़ा सा डिटेल करने में। तो अब थोड़ा थोड़ा हम इसमें डिटेल कर लेते हैं, जैसे कि छप्पर में डिटेल करते हैं। और ये सब क्या है ना कि कभी भी आप इस तरह का घर देखोगे उसमें बहुत सारा इस तरह का कन्नी वगैरह निकला निकला सा होता है, ठीक है, जो बांस वगैरह से बना हुआ होता है। तो ये चीज़ मिट्टी वाला घर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सब चीज़ अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपको ये डिटेल आपको दिखाना चाहिए, आपका पेंटिंग ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। लेकिन ये चीज़ आप बिल्कुल पॉइंटेड ब्रश यूज करना है ये चीज़ बनाने के लिए। ताकि आप बिल्कुल अच्छे से लाइन खींच सको। और यहाँ भी हम सेम वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा पहले शेडो को क्लियर करना है बस। लेकिन फिलहाल यही कर लेते हैं, जहाँ हम बना सकते हैं वहाँ पर तो बना ही लेते हैं। और अब थोड़ा सा डार्क कलर हम यूज करेंगे, क्रोम येलो, ब्रंशियाना एंड कोबाल्ट ब्लू। और ये मेरा थोड़ा डार्क कलर हो गया, हालांकि पैलेट हम आप लोगों को दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है और हम पेंटिंग को आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम जो भी कलर यूज करते हैं वो सारा कुछ हम आपको बता के यूज करते हैं, आप ज़रूर वो चीज़ ट्राई करना। तो यहाँ पर मैंने एक दरवाज़ा बनाया, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा, टूटा फूटा सा लग रहा है। इस तरह का ही दरवाज़ा होता है अगर आप मिट्टी वाला घर में देखोगे तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको थोड़ा सा बारीकी आपको करना है। तो लगभग ये कंप्लीट है पेंटिंग, है ना। इस पे बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल वगैरह नहीं करना है। और बाकी कल का जो पेंटिंग होगा ना, जब सारे चीज़ों को जोड़कर बनाएंगे, कल मिस मत करना, ठीक है। तो कल वाले क्लास को तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कल और आपके लिए काफ़ी कुछ आसान होने वाला है। बहुत लैंडस्केप में बहुत कुछ आप कल क्लियर कर लोगे अपने आप से। तो कल का क्लास इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट समझ के करना। और ये फ़िलहाल इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद अगर हम कुछ जोड़ना चाहें तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप कुछ आवास वगैरह करना चाहो, ठीक है। लेकिन ये अभी इस पे करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हम कल बताएंगे आपको। पर हमने दरवाज़ा बनाया है तो बिल्कुल टूटा फूटा सा
मिट्टी का घर में इस तरह का होता है। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल टीक लकड़ी का दरवाज़ा बना दोगे या फिर आप कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस वाला जो डिज़ाइन वाला अगर दरवाज़ा बना दोगे तो वो सपाट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान रख के पेंटिंग बनाना है। तो अभी रात के 2:15 बज गए हैं, और बाकी कल मिलते हैं, कल करते हैं सारा कुछ डिटेल में काम। तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय, गुड नाइट।